ग्लोबल बाजारों के मुकाबले भारत की ग्रोथ अलग बयान कर रही है। भारतीय बाजारों का प्रदर्शन अन्य बाजारों के मुकाबले क्यों बेहतर है, बताने के लिए जुड़ रहे मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद बताइए। जी बिल्कुल, भारत के मार्केट्स में जो है डीकपलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि भारत है एक टाइप से आउट परफॉर्म कर रहा है दुनिया भर के कंट्रीज़ में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन भी थोड़ी कम हुई है जून के महीने में। ऑटो सेल्स नंबर्स में देखा जाए तो टू व्हीलर ऑटो सेल्स नंबर्स और पैसेंजर व्हीकल ऑटो सेल्स नंबर्स में अच्छे ग्रोथ देखने मिली है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी 16% का ग्रोथ आया है। अगर सर्विसेज पीएमआई की बात करें तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। जुलाई से अगस्त के बीच में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। बैंक स्पेस ले लीजिए, यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ का एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिला है, स्पेशली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे जो क्रेडिट ग्रोथ है 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा हुआ है। और अगर पूरी इंडस्ट्री की क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो उसमें भी जो है, अगर आप देखें लो बेस के कारण जो है ऑलमोस्ट 10.5% का ग्रोथ देखने मिला है। जीएसटी कलेक्शंस भी 28% साल दर साल जो है 1.44 लाख करोड़ आए हैं। और जीडीपी की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर जो FY23 का है वो ऑलमोस्ट 13.5% आया है, सबसे ज़्यादा हुई है इस साल पे। तो देख सकते हैं मैक्रो फैक्टर्स में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भारत का देखने मिल रहा है। और अगर कैसे शेयर बाज़ार परफॉर्म किए तो निफ्टी 50 इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स है ग्लोबली जो एक्चुअली पॉजिटिव है, ईयर टू डेट बेसिस पे 2% पॉजिटिव है। इसके अलावा निक्केई ले लीजिए, डाउ जोन्स ले लीजिए, हैंगसेंग, यहाँ पे सब देख सकते हैं 4 से लेकर 18% तक का गिरावट अभी जो है 2022 में ऑलरेडी देखने मिल रहा है। और अगर यूरो स्टॉक्स और नज़दाक की बात करें तो यहाँ पे दबाव और ज़्यादा बढ़ा है।